मतलब मेरी समझ में जो है वो बेकार है, मैं अच्छा होगा सोच रहा हूँ तो वो बुरा हो गया, जो बुरा है सोच रहा हूँ तो अच्छा हो गया, इसलिए सब जगह झंझट में छोड़ के मैं अपना फार्मूला एक बताऊं, अच्छाई देने वाला जो है, सब कुछ देने वाला जो है, सृष्टिकर्ता जो है, उसी को पकड़ लो तो ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर पी देवदास के द्वारा आत्मिक संदेश सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्वर्गीय प्रभातिमोती के द्वारा एक गीत सुन लेंगे जिसके बोल यह है कि तेरा प्यार ही मुझको मसीह ले जाता है कहां कहां। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। यीशु सहाय। इस नए साल में पहले संडे को आप सबों का स्वागत है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने अवसर दिया कि हम फिर से मिल सकें। मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे इस बात को लेकर करना चाहता हूँ कि हम इतने साल अपने जीवन में बिता दिए, जितने भी आपकी आयु है उतने साल हमने काट लिए। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर हमें जीवित रखा है और ये अवसर दिया, इसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, या कहिए कि हमें पसंद नहीं आता, लेकिन हम प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, इसलिए हम अनबने मन से उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं बोलता, क्यों मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। कई चीजें जैसे बोल, तू ऐसा चाहता है खुदा, क्यों, तो भी ठीक है, तू चाहता है तो मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, क्यों ऐसा हुआ, अच्छा यदि तेरी मर्जी है तो खुदावन तेरी मर्जी के अनुसार चलने की शक्ति मुझे दे, उसके अनुसरण करते हैं। उसमें जो चीज देता है उस चीज में हम प्रसन्न रहने की कोशिश भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए गुड साइन, एक अच्छा बिलीवर ऐसा करता है, हर एक के जीवन में होता है, पौलुस के जीवन में भी ऐसा होता है। बहुत ही एग्रेसिव टाइप का टेररिस्ट था यार ये, कितना बड़ा टेररिस्ट था और आतंकवादी था, और ऐसे को प्रभु ने संभाला, बनाया और उसकी आंखों की रोशनी गई, फिर आई, जो भी हम चाहते हैं, लेकिन आत्मिक ज्योति वो पाया और ज्योति पाने के बाद वो प्रभु में चलने लगा और उसके कई प्रकार के ऊंच नीच, कई प्रकार के उसके जीवन में घटनाएं हुई है, जैसे कि आप बाद में आराम से बैठ के पढ़ना
दूसरे कुरंती उसका दूसरा अध्याय 12 वचन से आप पढ़ना, मैं अभी आपको 14 पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि हमारे लिए एक थीम का वचन है ये। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं ये बता रहा हूँ, जय के उत्सव में ही लिए फिरता है। ट्रायम्फ इन क्राइस्ट, प्रभु में, विक्ट्री इन क्राइस्ट, मतलब एक विजय प्रभु यीशु मसीह में हमको लिए फिरता है, विजय में ही रखता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ में इस बात का विश्वास करेंगे कि इस 2021 में, इस 20 के बाद 21 नए साल में, वो हमें अपने जय के उत्सव में ही लिए फिरता रहेगा। उसके जय के उत्सव में ही रहेंगे, चाहे जैसे भी परिस्थिति में रहे, ऊंचा नीचा जो भी होता, परिस्थितियां होती है, कभी बोलता ऐसा अच्छा लगता, अच्छा लगता, नहीं लगता, जो भी, लेकिन हम उसके साथ में रहेंगे और उसके जय के उत्सव में ही रहेंगे। ट्रायम्फ इन क्राइस्ट। ये देखिए यहाँ पौलुस के साथ में क्या हुआ, 12वें वचन में क्या बोलता है, देखो दूसरा कुरंथी दूसरा अध्याय 12वें वचन में, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, द्वार खोल दिया, ठीक है, बुलाया है, प्रीचिंग के लिए आया है, सब कुछ है, लेकिन किंतु बट परंतु यहाँ पर एक कंडीशन लग जाता है, जो क्या है कि और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया है तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। तीतुस जो कि वहां का रेवरेंड है, पास्टर है, जो भी है, वो उसका सहकर्मी है, जिसको चाहता है, जिससे बहुत प्रेम करता है, और इस चाहता था उससे मिलने के लिए, उससे नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं मिला तो निरुत्साहित हो गया। निरुत्साहित होने के बाद क्या किया, नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकदूनिया चले गया, मकदूनिया निकल गया। ये यहाँ पर इसके हृदय पर एक आघात है, एक चोट लगी है कि जो चाहता था वो नहीं हुआ, जो मांगता था वो नहीं मिला। फिर उसके बाद 14 में बोलता है, परंतु ये है, यहाँ पर शुरू करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यानी ये सब नहीं हुआ मैं जो चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे ऐसा नहीं मतलब सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों ऐसा दिया, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्यों धन्यवाद हो, क्योंकि मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यहाँ पर तो ये नुकसान में आ गया ना, इस जो चाहता था तीतुस उसको नहीं मिला, इसको सहकर्मी जो था उससे सहायता चाहता था, मिलना चाहता था, नहीं मिला, उदास हो गया। लेकिन फिर देखिए उस उदासी को हटाकर क्या बोलता है कि उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखिए एक अंदर के हमारी आवाज होती है जिसको हम बोलते हैं इनर वॉइस, ये होली स्पिरिट का काम रहता है, और दूसरा एक होता है आउटसाइड सिचुएशन यानी एक्सटर्नल वॉइस, आउटसाइड सिचुएशन, बाह्य आवाज जो है, बाहर की आवाज, ये सैटनिक आवाज होता है। अंदर से जो आवाज निकलती है ना, ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज रहती है, आत्मा की प्रेरणा से हमें वो चीजें प्राप्त होती। ये समझना आप इस नए साल में कि मैं अपने अंदर की आवाज को सुनूंगा, बाहर की आवाजों पर ध्यान नहीं दूंगा, एक्सटर्नल वॉइस को मैं ध्यान नहीं दूंगा, इंटरनल वॉइस पर मैं ध्यान दूंगा। अंतरात्मा जो कहती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आवाज आती है, जो मुझे चेतावनी मिलती है, जो अगुवाई मेरे अंदर से मिलती है, उसको मैं मानूंगा। मेरे मतलब मेरे अंदर में एक इंस्टिंक्ट, एक परमेश्वर की आत्मा है जो कि अंदर की आवाज से, जैसे याकूब की पत्री उसका 4:17 में क्या बोलता है, जेम्स 4:17 में क्या बोलता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप है। इजी डेफिनेशन है पाप का, सबसे इजी डेफिनेशन मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मेरी समझ के अनुसार ये है कि याकूब 4:17, जो भलाई करना जानता है
और उसको नहीं करता, मेरे को मालूम ये भला है, इसको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोल दिया, ये सब चीज़ मुझको मालूम है, और उसके बाद भी मैं करता हूँ, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ होती है, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट से दैट, ऐसा नहीं कहना था, ऐसा नहीं करना था, होता है पछता। तो जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो उसके लिए पाप है, जिसको कि आदम हव्वा ने भी तो यही किया, नहीं खाना है और खाए, हम अंदर से मालूम था नहीं खाना है। मतलब क्या हुआ कि एक विजय, हम जब अंदर की आवाज को सुनते हैं ना, एक विजय हमको मिलता है। जैसे रोमियो का खत, उसका 60वां अध्याय और उसके 37वें वचन देखिए, मैं पढ़ के आपके सामने सुनाता हूं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है जो उसने किया। मतलब क्या है, ये जय का जीवन ले जाता है, जय के उत्सव में ले जाता है और जयवंत से भी बढ़कर है। मैं जब एनसीसी में था ना, मेरे बताया था मैं ओटीयू में सिलेक्शन हो गया था, अब पूरे एमपी से 2/7 MP बटालियन के 2 लड़के हुए थे, एक रायपुर का और एक मैं बिलासपुर से, और अब रायपुर वाले का सिलेक्शन हो गया, मैं आईसाइट में फेल हो गया तो मैं नहीं जा पाया, और वो चले गया आर्मी में, जाने के बाद वो चाइनीज अग्रेशन का जो टाइम था उस समय गया, वो मर गया ऑन द फील्ड, ही डाइड। और जब मर गया तो उसकी शव को तिरंगे झंडे में रायपुर लाया गया। उस समय टीवी वगैरह तो नहीं था, न्यूज़पेपर से ही पता चलता था। वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार जब कर रहे थे, उसके माँ बाप खड़े थे, और पेपर में फोटो जो दिया ना, हिंदी पेपर्स में आया था, वो माँ बाप खड़े हैं और माँ बाप को माला पहनाया गया, और उसके बाद पता नहीं वहाँ से कौन एंकर जो था, अनाउंसर कहता था, ये लड़का, नाम फलाना मेरे को याद नहीं आ रहा, ये देश के लिए बलिदान हुआ है। लेकिन फिर उनके माँ बाप की तरफ देख के बोलता है कि ये जो माँ बाप है, ये बलिदान हुआ है और बलिदान से भी बढ़कर बलिदान जो किया है वो ये है। मतलब ये उससे भी बढ़कर जयवंत इनका है, माँ बाप का है, क्यों, माँ बाप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मतलब उसने क्या, जयवंत से भी बढ़कर प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, क्या किया है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। अब देखिए, जैसे कि ये अपने, ये आगे हम इसी में पढ़ के देखें, अपन जैसे आगे पढ़ते हैं कि उसने, क्योंकि और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हमको कि जयवंत का जीवन दिया और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा फैलाता है। क्यों, क्योंकि हम उसके बचाए हुए संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके अपने हैं, हमारे द्वारा काम करना चाहता है। वो तो कुछ भी कर सकता है, वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, सब कुछ है, वो सब कुछ उसका है, सब सृष्टि करता है, सर्वा सर्वे है, मालिक है, संसार का क्रिएटर है, सारी चीजें उसकी आज्ञा पालन करती है, चाहे पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, आसमान, बारिश, सूरज, जो भी, मछली, सब 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 उसके आदेश का पालन करती है। लेकिन एक मनुष्य है जो कि उसके आदेश का उल्लंघन करता है और उसके आदेश के विरुद्ध काम करता है। लेकिन प्रभु हमसे भी प्रेम किया है, प्रेम कैसे किया, हमारे द्वारा उस सुगंध को फैलाने की कोशिश करता है, हमारे द्वारा। देखिए, एक सुगंध मतलब ये पांच इंद्रियां जो होती है ना, जैसे बोलते हैं क्या है, पहला जो है, मैं जैसे गलत ना हूं, टच, हियर, साइट, टेस्ट एंड स्मेल। पहला चीज स्पर्श है, दूसरा जो है हियरिंग मतलब सुनना, कान, और तीसरी चीज जो है साइट मतलब दृष्टि, आंख, और उसके बाद टेस्ट मतलब जीभ, और स्मेल मतलब नाक। ये इंद्रियां हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण, खैर जो है आंख बोलते हैं, जो बोलते हैं, अलग अलग आर्गुमेंट देते हैं, जो भी है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इसमें से एक भी चीज गया तो हम अधूरे हो जाते हैं। और ये स्मेल जो है, स्मेल सुगंध जो है, ये सुगंध और दुर्गंध बोलते हैं ना, सुगंध जो है हमको तुरंत सर कर देता है। मतलब ये इसका लिंक जो है मेमोरी से है, सुगंध का लिंक मेमोरी से है, हमारी याददाश्त से है, हमारी पूरी समझ को क्लियर कर देता है। जैसे किसी के घर में अपन घुसे ना, वाह वाह, किस्मत के कारण केक बनना शुरू हो गया भैया, अरे यहाँ तक कि कुछ क्या बना रहे हो, जोरदार सब्जी, अरे वो सब्जी में भी वेज है नॉन वेज है ये भी बता देते हैं कई लोग, सुन के ताजुब होता है मेरे को, क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है,
कभी क्या मतलब क्या बन रहा भाई आपके यहां कुछ है? ये नाक हमको बता देता है, स्मेल इज लिंक्ड विथ योर मेमोरी, मेमोरी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। और ये इसमें देखिए, ये स्मेल जो है, स्मेल जो स्मेल हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा, परमेश्वर हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इस सुगंध को फैलाना चाहता है, ताकि हम जिधर जाएं हमको देखकर हम आते ही हमसे एक खुशबू मिल जाए, एक हमारे अंदर में एक ऐसा कुछ खुशबू है, हमारे अंदर में कुछ ऐसी खूबसूरती है, हमारे अंदर में कोई ऐसा गुण सद्गुण है, हमारे अंदर में कोई ऐसी क्वालिटी है जो हमको इस सुगंध को फैला देता है, देख के समझ जाते हैं आ गया। बेकार बात मत करो। मैं एक जगह गया था, बात कर रहे थे उन लोग कुछ, जैसे बोले आ गया, चुप हो जाओ, नहीं मालूम क्या बात कर रहे हैं, तड़के थे। क्यों ऐसा हुआ? हमारे द्वारा एक सुगंध आती है, जाती है, फैलती है। ये सुगंध कैसे? सुगंध का तो किस्सा बहुत पुराना है यार। आप देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उत्पत्ति 8 और उसका जेनेसिस 8 और उसका 20वां वचन में क्या लिखता है, अब बाद में आराम से पढ़ना, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। 8:20 में कहता है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। नूह ने चढ़ाया और चढ़ाने के बाद क्या हुआ? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा, कभी ऐसे नहीं मारूंगा। क्या किसके कारण से हुआ? एक सुगंध के कारण से हुआ। ये सुगंध जो है हमको अपने प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए अवसर देता है कि मैं जो स्प्रे किया हूं ये इतना वैल्यूएबल है, इतना इफेक्टिव है कि हर कोई मेरे तरफ घूम के देखता है कि कौन है भाई, कौन लगा, किसके यहां से खुशबू आ रही, कौन है, कौन आ गया। ये प्रभु यीशु मसीह का झलक दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देता है, क्योंकि इस खुशबू से परमेश्वर खुश हो गया और क्या किया कि मैं अब नाश नहीं करूंगा। इसी को नए नियम में क्या क्या है, ये परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र का बलिदान दिया और उसके उस खुशबू को पाकर परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस जलन के उस खुशबू, उस खून के उस खुशबू और उस ताड़ना की यातना की खुशबू, उस परिश्रम का खुशबू, उस तकलीफ की खुशबू और प्रभु यीशु मसीह के त्याग की खुशबू, प्रभु यीशु मसीह के समर्पण की खुशबू, प्रभु यीशु मसीह के साथ वाणियों की खुशबू, प्रभु यीशु मसीह के नजर की खुशबू, प्रभु यीशु मसीह के देह की खुशबू, प्रभु यीशु मसीह के लहू की खुशबू से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और मुझको माफ कर दिया, तुमको माफ कर दिया, सो दैट यू कैन एंटर हेवन, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हक प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्गीय धाम हमारे लिए वहां जगह तैयार कर देता है। इतना खुश होके हमें माफ कर दिया, जैसे कि नूह के टाइम में हुआ। परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? विथ स्वीट फ्रेग्रेंस, स्वीट मीठी खुशबू के द्वारा। कहीं तो अभी मैं पढ़ रहा था, क्या बोलता मालूम, क्रिश्चियनिटी इज अ विंडो थ्रू विच अदर्स सी जीसस। क्रिश्चियनिटी इज अ विंडो थ्रू विच, एक मसीह तो एक खिड़की है जिसके द्वारा दूसरे मसीह को देखते हैं। इस खिड़की से मेरे दिल के अंदर जो देखते हैं, मेरी नजर से जो दिखता है, मेरी बोली वाणी से जो दिखता है, मेरे स्वभाव से जो दिखता है, तुम्हारे आचरण से जो दिखता है, तुम्हारे बिहेवियर जो प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। किसका लड़का है, किसका बेटा है, सबसे पहले यही बात होती है ना। तो किसका बेटा है? तो बुरा काम कर तो पूछेंगे किसका बेटा है थाने में, अच्छा काम करो तो भी लोग बोले वाह वाह वाह, कौन है इसके माँ बाप, कौन है इसका बाप, बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है।
मैं यीशु मसीह जैसा दिखता हूं। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। घमंड है मुझे यदि कोई बोले कि तू प्रभु यीशु मसीह जैसा दिखता है। याद रखना, परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? हमारे हर, मैं आपको ये वचन पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, पहला पत्र उसका 3 अध्याय और उसके 10वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने ओठों को छल की बातों करने से रोके रहे। कैसे दिखाना पड़ेगा हमको ये चीज, सेल्फ कंट्रोल। हमको अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, हमको वी शुड कंट्रोल आवर सेल्फ। ये कैसे होता है? मतलब हमारे पास में पता है ना, एक्सटर्नल एक वॉइस होता है, इंटरनल एक वॉइस होता है। इंटरनल वॉइस को यदि मैं फॉलो करता हूँ और इंटरनल वॉइस के अनुसार यदि मैं चलता हूँ तो क्या होता है, मुझे सक्सेस मिलती है। क्योंकि ये जीभ को मैं रोक लेता हूँ तो मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता हूँ। मेरे ओठों से कोई छल की बातें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बुराई को छोड़, और 3:11 में क्या बोलता है, बुराई को छोड़ भलाई करे, मेल मिलाप को ढूंढ और उसके अनुसार तू चल। मेल मिलाप के अनुसार में चल, मेल मिलाप करते चल, मेल मिलाप में रह, तो क्या होगा, सफलता तेरे को मिलेगी। इसमें क्या बोलता है, क्योंकि 15 वचन में पढ़ता हूं, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 15 वचन कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। जो उद्धार पाए उनके लिए भी मसीह की सुगंध हम है, और जो नहीं पाए हैं और जो नाश होने वाले हैं, यानी जो पापी हैं, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं करते, उनके लिए भी सुगंध है। उनको क्या है, अच्छे मार्ग की सुगंध देते हैं, और विश्वासियों के लिए क्या है, विश्वास में बढ़ने की सुगंध देते हैं। एक कंपनी हमको चाहिए यार, जैसे कि इसने एक क्या बोला, तीतुस की कंपनी चाहिए था ना पौलुस को, एक कंपनी चाहिए। कैसी कंपनी चाहिए हमको? एक अच्छा अपना मित्र चाहिए। मित्र कैसा चाहिए, जो कि स्वार्थी ना हो। हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए, बिना स्वार्थ की होनी चाहिए। हमारा एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल होना चाहिए। हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल नहीं दोस्ती नहीं है, कोई सोशल दोस्ती नहीं है, कोई रोमांटिक दोस्ती नहीं है, किसी प्रकार के फ्रेंडशिप नहीं है। हमारा फ्रेंडशिप, हमारा सोसाइटी, हमारा जो कंपेनियनशिप, हमारी जो सहभागिता कैसी होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए। और हम जब मिलकर स्तुतिगान करते हैं तो ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि देखिए, मैं आज अपने जो अच्छा सोचता हूं, मैं जो आज अपने लिए अच्छा सोचता हूं, हो सकता है ये अच्छा नहीं है। और ये देखिए, आज जो मुझे बुरा लगता है तो मैं सोचता हूं ये मेरे लिए बुरा नहीं भी हो सकता है। और क्या है, जो बुरा है लगता है वो अच्छा भी हो सकता है, जो अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है। मैं समझा पा रहा हूं ना, मेरे मतलब को आप समझने की कोशिश करिए। मतलब मेरी समझ में जो है वो बेकार है। मैं अच्छा होगा सोच रहा हूं तो वो बुरा हो गया, जो बुरा है सोच रहा हूं तो अच्छा हो गया। इसलिए सब जगह झंझट में छोड़ के मैं अपना फार्मूला एक बताऊं कि अच्छाई बुराई देने वाला जो है, अच्छाई देने वाला जो है, सब कुछ देने वाला जो है, सृष्टिकर्ता जो है, उसी को पकड़ लो तो ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या अच्छा क्या बुरा उससे कोई मेरे को मतलब नहीं। तू मेरे को जो देगा मैं आई विल फॉलो इट, जो तू मेरे को कहेगा मैं करूंगा। इस साल भर में वैसी रहूंगा, नए साल में वैसी रहूंगा, 21 में वैसी रहूंगा, जब 20 में जैसा था वैसे 21 में रहूंगा, 20 से भी ज्यादा सिंसियर 21 में मैं रहूंगा, 20 से भी ज्यादा डेडिकेशन मैं 21 में करूंगा। और मैं अपने दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर मैं बिना कोई मतलब के मैं उसके पीछे चलूंगा, और मुझे जो बुरा है उसको मैं नहीं करूंगा, मुझे जो अच्छा है उसको मैं करूंगा, और जो तू एक्सेप्ट देता है उसको मैं ग्रहण करूंगा, जो परमेश्वर देता है वही अच्छा है। और इसलिए मैं सीधी सी बात, देने वाले को ही पकड़कर उसके अनुसार चलूंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब चीजें अच्छी ही अच्छी देगा। क्योंकि 7:9 में कहता है, पिता पुत्र को बारे में बताया है ना, जो यदि बेटा जो है मांगता है
तो रोटी मांगता है तो पत्थर देगा क्या, मछली मांगता है तो सांप देगा क्या? ऐसे करता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज देना चाहते हो तो परमेश्वर हमको क्यों अच्छी चीजें नहीं देगा? मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में आप पढ़िए, 9वें वचन से लेकर आप पढ़ते जाइए, मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वर मुझे देता है वो मेरी भलाई के लिए है, जो करता है वो मेरी भलाई के लिए। और जब तक तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हमको देगा। वी शुड हैव दैट फेथ, हमारे अंदर में ये विश्वास होना चाहिए। इस साल भर हम आगे जो चलते चलेंगे, मुझे नहीं मालूम कि मेरे दिन कितने हैं। अभी मूसा कहता है ना, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, और वो चीजें खुदा हमसे छुपा के रखा है। इसलिए मुझे जितने भी दिन तूने दिया खुदावन, उन्हें दे कि तेरे नाम से जीऊं, और उसके बाद तो फिर तेरे पास ही रहूंगा। उतनी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर में सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि मैं सारी इंद्रियों को अपने तेरे वश में कर दिया हूं। क्योंकि खुदावंत जो सुगंध जो फैलाना चाहता है वो सुगंध मैं तेरे द्वारा फैलाना चाहता हूं। और उसके बाद आई विल वेट फॉर योर गाइडेंस, आई विल नॉट बी इन हरी। मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं तेरे गाइडेंस को फॉलो करूंगा। आई विल फॉलो योर गाइडेंस, आई विल हियर योर वॉइस, तेरी आवाज को मैं सुनूंगा, तेरे एरोमा को, तेरे उस फ्रेग्रेंस को, मैं उस खुशबू को मैं ग्रहण करूंगा, मैं तेरी दृष्टि तेरी बात को देखूंगा, तेरे स्पर्श को समझूंगा और तेरे वचन का स्वाद मैं लूंगा, सारी इंद्रियों का प्रयोग मैं तेरे लिए करूंगा। तू महान है, उद्धार का देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आप देखिए इसी के एफिसियों के 5वें अध्याय के और उसके 2वें वचन में कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। अपने सुगंध के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, और इसके द्वारा हमारे अंदर में वो सुगंध आना चाहिए, हमारे अंदर में वो फ्रेग्रेंस आना चाहिए, हमारे अंदर में वो जीवन आना चाहिए, हमको चलना चाहिए। मतलब क्या है कि हमको स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? ये कोई फाइनेंशियल फ्रेंडशिप नहीं है, ये कोई सोशल गैदरिंग फ्रेंडशिप नहीं है। है सब कुछ जो करना है करो, संसार में जो है होता है करते हैं, अपन जाते हैं शादी ब्याह में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, ये करेंगे, कुछ अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, अपने कॉलेज के कुछ फंक्शंस में जाएंगे, वहाँ जो नौकरी है तो उसको करेंगे, जो भी है सब काम करेंगे। लेकिन एक चीज है कि मुझे अपने स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप को बढ़ा के रखना है। आत्मिक सहभागी, सहपाठी या मित्र या साथी मेरे को चाहिए और ये चाहिए, और मैं अपने घर में स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप को बढ़ा सकता हूँ। पति पत्नी के बीच में ये फ्रेंडशिप बढ़ सकता है, माँ बाप बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ सकता है, रिश्तेदारों के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ सकता है, कलीसिया के सदस्यों में बढ़ सकता है, आपसी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अपन अपने आप के स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, आत्मिकता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अय्यूब जैसा कहता है, If God is on our side, no harm. यदि खुदा मेरी तरफ है तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, जो कुछ भी है सब लाभ की है, फायदे की है। ये सोच के हम इस साल भर चलें, इस साल में आगे बढ़ते चलें, और जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर हमें साथ देता जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक किताब है, वो किताब का नाम है द हाइडिंग प्लेस करके, हाइडिंग प्लेस करके एक बुक है, और इस बुक को आप कभी कहीं पर भी नेट वगैरह में निकाल के आप पढ़ के देखना। इसमें जो है मेन जो ये लेडी है उसका नाम है क्या है, कॉरिंटन बूम है, और ये डच लेडी है, डच मतलब एम्स्टर्डम या डच की है, और वो डच में, या हिटलर जब 1940 में यहूदियों को मारने लगा, और यहाँ पर कहते हैं करीब करीब 60 लाख यहूदियों को मारा है उसने। जैसे जगह पर कॉरिंटन जो है ये इसके फादर और ये मिल के इन लोग एक वॉच का शॉप था, रिपेयरिंग शॉप था, रिपेयर भी करते थे, बेचते भी थे, और इन लोग जो है उन यहूदियों को अपने कुछ अंडरग्राउंड कमरों में बंद करके छुपा के पालने लगे, उनको सहारा दे के रखने लगे। और इन्हीं का जो वर्कर था कोई स्पाई बन के, वो इनको खबर दे दिया, और वो दुश्मन लोग जो आके इनको पकड़ के बंदी बना के ले गए।
इसमें दो बहन हैं इन लोग, ये क्वारंटाइन में, और उसके बाद दूसरी इसी सिस्टर है, बेट्सी वगैरह कुछ नाम है, BETSYE कुछ ऐसा स्पेलिंग है, बेट्सी करके है। ये दोनों बहन जो है इनको क्या किए, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिए गए। और वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप में क्या हुआ, इनको करीब करीब देवर नेकेड निवस्त्र करे, बेइज्जती करे, और इनको ऐसे जगह पर रखे थे कि जहाँ पर धूप भी दिखता नहीं, सूरज भी दिखता नहीं है, अंधेरे टाइप के ये इसमें रखे। लेकिन ये बिलीवर्स थे एंड बोथ द सिस्टर्स वेर प्रेजिंग द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद ही देते रहे कि तूने ये हमको बचाया, तुमको ये किया, कम से कम ऐसा है, कम जो भी दिया है, ये रोशनी नहीं है तो अंधकार तो दिया है, खाना नहीं है तो भी कब भूख सहने की शक्ति दिया है, ऐसे टाइप की दुआएं ये करते थे। और ये इनको जो है एक जो कैंप में कंसंट्रेशन कैंप में जो डाले ना, वहाँ पर ये बड़ी बड़ी मक्खियाँ जो नीली हरी टाइप की मक्खियाँ होती ना, स्टिंग वाली, वो मक्खियाँ थी और कीड़े मकोड़े बहुत थे और ये परेशान थे। तो इसकी बहन जो बेट्सी जो है वो ये इसको बोलती है, क्वारंटाइन को बोलती है, टेन बूम कहूँगा मैं, ये क्वारंटाइन बूम को बोलती है कि चलो अपन इन कीड़े मकोड़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो बोले ओ नो शट अप, वो ऐसी कुछ शब्द लिखा उसमें पढ़ा, बोलती है ना सिस्टर इसके लिए कैसे हम कर सकते हैं, ये कीड़े मकोड़ों से परेशान है, अभी तक तो जितने भी तकलीफें हैं सबके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे हैं, अब ये कीड़े मकोड़े के लिए कहाँ से मैं धन्यवाद दे सकूँगी, नहीं दे सकते। तो उसको समझाई नहीं बहन, अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेट्सी जो है ये करीब बहुत जल्दी इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये जो क्वारंटाइन बूम है ये बाद में वहाँ से छूटने के बाद करीब करीब 91 साल तक जिंदा थी, ये अमेरिका में थी, 91 वर्ष में इसकी डेथ हुई। तो ये क्वारंटाइन बूम जो है बताते हैं, अब ये बताता हूँ, देखिए ये दोनों बहन मिलके बोले ठीक है अच्छा, यू विल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर दिस मतलब फ्लाइज, अब इन कीड़ों के लिए, इन मक्खियों के लिए उन लोग धन्यवाद दिए। होने के बाद जो भी हुआ, बहुत दिन के बाद वहां से निकले, जब वहां से छूटे छाटे जब हुआ, तब इनको पता चला कि यहाँ के सोल्जर्स जो हैं, जो लेडीज कैंप्स थे वहाँ जाकर उनको अब्यूज करते थे और उनके साथ कुछ कुछ बड़े गंदे काम करते थे और उनको बहुत ही गंदे तरीके से मारते पीटते थे, परेशान करते थे सोल्जर्स। लेकिन इनके यहाँ कोई भी सोल्जर नहीं आया, क्यों नहीं आया मालूम, कि दे वेर अफ्रेड ऑफ द फ्लीज, वो जो कीड़े हैं मकोड़े और मक्खियाँ उनसे वो डरते थे इसलिए नहीं आए। तो ये क्वारंटाइन बूम बोलती है कि नाउ आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई गॉड हैज गिवन दीज फ्लाइज, इन कीड़ों को प्रभु ने क्यों दिया, अब मैं समझती हूँ करके वो बोलती है। इसके संबंध में शायद एक फिल्म भी कोई बना था और ये जो है वो 1940 की बात है, ये हिटलर के जो कारनामे थे उस समय की बात है, और ये लोग डच की लेडी जो थी, और ये डच वाली लेडी जो है ये अमेरिका में जाके बसी, वहाँ पर ये बहुत सेवा की, बहुत सारे बुक्स लिखी, बहुत सारे काम की, और ये 91 साल की वर्ष में वहाँ पर इसका डेथ हुआ। क्या हुआ, इन लोग हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिए। क्यों धन्यवाद दिए, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेम को पहचानते थे, मतलब दे हैड दैट सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, इनके अंदर में क्या था, ये जितने भी इंद्रियां थी, जितने भी सेंसेस थे, इनको इन्होंने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, हर चीज का सही प्रयोग किया। और इन लोगों ने क्या किया, अंदर की आवाज को सुना, बाहर की आवाजों को नकार दिया, इन्होंने क्या किया, हर बुरी चीज में अच्छाई को देखा, और ये साथ समझते थे कि मेरे लिए जो अच्छा मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं हो सकता है, जो मेरे लिए मैं बुरा समझता हूँ वो बुरा नहीं बल्कि अच्छा हो सकता है, ये सारी चीजों में परमेश्वर के ही दया है, उसी की कृपा है, उसी के अधीन रहूंगा, उसी के आधान रहूंगी तो मुझे फायदा होगा, इसलिए ये सारे कन्फ्यूजन्स को, सारी चीजों को, सारी आवश्यकताओं को, सारी बातों को, सारी परिस्थितियों को मारो गोली और निर्भर रहो प्रभु यीशु मसीह पर।
परमेश्वर पर, उसके जीवते वचन पर, उसके जीवते कलाम पर, उसके अध्ययन करके उस पर आधारित रहो और उसको धन्यवाद दो। खुदावन, इन कीड़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा हम परेशान हैं, लेकिन बाद में पता चला इन कीड़ों के द्वारा हमको तूने सुरक्षित रखा है कि ताकि जो बाकी स्त्रियों के साथ में काम हुआ है, गंदगी हुई है, वो हमारे साथ नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रभु तू हमारा छाया है, तेरे सलीबी छाया में रहते हैं, हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम चाहे वृद्धावस्था में रहें, चाहे यौवन अवस्था में रहें, चाहे गरीबी में रहें, चाहे पैसे में रहें, चाहे नौकरी रहे, चाहे ना रहे, बच्चे रहे, चाहे ना रहे, हमें तकलीफ रहे, चाहे ना रहे, हम स्वस्थ रहे या बीमार रहे, भयंकर बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, जो कुछ भी हो, सारी चीजों के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करता है। इन कीड़ों मकोड़ों के कारण इनकी इज्जत बच गई, इनकी लाज बच गई, इनकी जो मानवता था इनके अंदर में, जो ह्यूमैनिटी थी, वो जग गई और वह परमेश्वर के प्रति प्रेम इनके अंदर में भर गया, उभर गया, उफन गया, और आखिर में कितना बड़ा काम उसने की, इसकी गवाही से लाखों लाख काम हुए, लाखों लाखों की आत्माएं बचाई गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्यों? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। याद रखना, जैसे कि हम प्रभाव ने शुरू में गाया, तेरा प्यार ही है जो मुझको ले जाती है। कहाँ कहाँ सारे गुनाह में चुपचाप दबे पड़ी थी, कोई दूसरा आधार नहीं था, लेकिन जैसे ही तेरे गुणवाद किए, तेरा गुणवाद किए, तो उदित है कि हर कदम तेरे नाम से हम चलने लगे हैं, हर कदम पे तेरी सहायता हमारी होती रहती है। अंधकार में हम रहे, अंधकार में रहे तो भी क्या है कि तू रोशनी बनकर आता है। ये अंधकार कमरे में दोनों बहन पड़े हुए थे, कोरिंटेन बूम और वो बेटसी, दोनों पड़े हुए थे, इनको खाने को नहीं, कुछ नहीं, क्या है, कभी कभी तो जरूरत पड़े तो, भूख लगे तो कॉकरोच शतक को खाने के लिए वहां पर मजबूर हो गए, ऐसी परिस्थिति में पड़े। और इन लोगों वहां पर जितने भी कैदी थे, उन लोगों के हड्डियां उड्डियों से वो जो निकालते थे, मलमा निकालते थे, जो चर्बी निकालते थे, उससे साबुन बनाते थे और कई प्रकार की चीज, क्या क्या गंदगी, पढ़ो तो आंख से आंसू निकलेगा, रोए खड़े हो जाएंगे। इतने भयंकर परिस्थिति में वो कीड़े मकोड़ों से, जहरीले कीड़े में कोई हानि पाए इनको नहीं हुआ, लेकिन दुश्मन वहां आ नहीं पाए, शैतान वहां पर आक्रमण नहीं कर पाया। मतलब इतने अंधकार में भी तेरे प्यार से रोशनी मिलती है। मुझ जैसे को हाथ में लेकर तू क्या कारीगरी तूने किया खुदावन, कि तूने अद्भुत ढंग से मुझे बनाया और मुझे तूने क्या ढंग से रचा है और मिट्टी से बनाया है, और मैं जैसे कुरूप हूं, कितने भी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन तूने अपने पुत्र को भेजकर मुझसे प्यार किया और मुझे बचा लिया। आइए हम इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। ले जाता है ये कहां कहां।
मुझको मसीह। हमारे दयालु जीवते परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक नए वर्ष में प्रवेश कराया। खुदावन, हम में से जितने दुख और तकलीफ में हैं, बीमारी की अवस्था में तेरी चाह करते हैं, जो अपनी आवश्यकताएं तेरे सामने रखते हैं, खुदावन तेरे नाम का जय जयकार करते हुए तेरे हर चीज को स्वीकार करके, अंगीकार करके तेरे बताए चाल पर चलते हैं, हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह बनी रहने दे। तेरे हाथ से खुदावन तू छू, अभिषिक्त कर, आशीषित कर, सारी आवश्यकताएं यीशु मसीह के नाम से पूरी की जाए, सारे जितनी तकलीफें हैं यीशु मसीह के नाम से दूर की जाए। हर अड़चन को हम दूर करते हैं, हम अपने इनर इंस्टिंक्ट को, खुदावंद आनंद अंदर की आवाज को हम सुनना चाहते हैं, जिसके अनुसार चलना चाहते हैं। बाह्य आवाजों से हमें कोई मतलब नहीं, बाह्य आवाजों को हम निरस्त करते हैं, बाहरी आवाजों को खुदावंद कंडम करते हैं और वो हमारे कान में आने ना पाए। हमारी सारी इंद्रियां तो उससे काम करे, खुदा तेरी सुगंध को फैलाने के लिए हमारे अंदर में शक्ति दे, ताकि वो परफ्यूम, वो सुगंध, वो फ्रेग्रेंस हमारे अंदर से निकल कर सारे लोगों के विश्व में फैल जाए और हर कोई पहचाने कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा जीवता पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर तू ही है, ये समझ सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। आज के सहभागिता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, आने वाले जीवन को तेरे हाथ में रखते हैं और तो अपने सरों को तेरे चरणों पर रखते हैं और ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड बियरिंग मी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।